रेड एफ एम पे। संडे 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 आज तो संडे है। वाली 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 डाली डाली विकी डोज अनिमेश के साथ। आज तो संडे है। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफ एम बजाते रहो। बिल्कुल बजाते रहो। नमस्कार राधा बसु स्वागतम कोलकाता। 5:14 हो गया है टाइम। आ गया हूँ मैं अनिमेश, आ गया हूँ स्टूडियो के अंदर लेकर आप सभी के लिए 3 घंटों का आज तो संडे है। ओ जी टेंशन बहुत टाइट है। पेट्रोल डीजल के दाम जो है वे आसमान को छू रहे हैं। अब पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं ये सिर्फ आम जनता पर ही इसका असर नहीं हो रहा है, हमारे बॉलीवुड पर भी इसका असर हो रहा है। पापा कसम बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ। पहले आपने अजय देवगन को देखा होगा फूल और कांटे मूवी में बाइक के ऊपर स्टंट किया करते थे, लेकिन आजकल घोड़ों के ऊपर नजर आ रहे हैं। सॉरी यार दुनिया बेकार थिनासन ऑफ सरदार। हाँ हाँ ठीक है आप टेंशन मत लो, शो शुरू हो चुका है। बस थोड़ी देर में रेडियो शॉपिंग नेटवर्क भी शुरू हो जाएगा जहाँ पर आपके लिए है अनु मलिक साहब की वो शायरी वाली डायरी, उनकी दूंगा बस थोड़ी देर में दूंगा। लेकिन राइट हियर राइट नाउ लास्ट वीक रेडियो शॉपिंग नेटवर्क में मेरे पास आप सभी को देने के लिए क्या था, चलो वो सुन ले। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, रेडियो शॉपिंग नेटवर्क में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमेश रेशमिया की वो टोपी जिसे पहनते ही आपके अंदर का हीरो जाग जाएगा। ये सच है दोस्तों, कई लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है और आज वे बहुत खुश हैं। हाय मेरा नाम है पप्पू हटेला, मेरा जिंदगी पूरा था फटेला, खाने को पैसे तक नहीं थे, मैं बहुत परेशान था। तभी मेरे दोस्त काना कबाड़ी ने मुझे हिमेश रेशमिया के टोपी के बारे में बताया। कमाल कमाल की टोपी है ये, इसे पहनते ही मेरे अंदर का कलाकार बाहर आ गया। पिछले महीने गांव के रामलीला में मैं हनुमान बना। यह टोपी मैंने पहन रखी थी, लोगों की भीड़ जमा थी और ये क्या मैं डायलॉग भूल गया। अचानक बारिश होने लगी। ना 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 ना, ना आसमान से बारिश नहीं, जूते चप्पलों की बारिश। मैंने उन जूते चप्पलों को उठाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। आज मैंने उन्हीं जूतों चप्पलों की दुकान खोली है। पापा कसम आज मेरे पास गाड़ी भी है और घड़ाड़ी भी है। थैंक यू रेडियो शॉपिंग नेटवर्क, हिमेश रेशमिया की एक टोपी ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बॉलीवुड में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब फेस्टिवल वाला सवाल। होली कब है? कब है होली? कब? साउंड पॉल्यूशन वाला सवाल। थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? हर तरह के सवालों के जवाब के लिए सुनते रहिए आरजे अनिमेश के साथ आज तो संडे है। 5:32 हो गया है टाइम। बर्फी मूवी का और लगे रहो मुन्ना भाई मूवी का एक एक सुपरहिट गाना हमने सुना है। नमस्कार आदाब स्वागत है कोलकाता, मेरा नाम है अनिमेश, शो का नाम आज तो संडे है। और आज ही के दिन जन्म हुआ था बॉलीवुड के एक रोमांटिक प्लेबैक सिंगर का। जी हाँ मैं बातें कर रहा हूँ नन अदर देन माई फेवरेट सिंगर कुमार शानुदा का। जी हाँ, तो अगर आप कुमार शानुदा के बहुत बड़े फैन हैं तो मेरे पास आप लोगों के लिए है इन्फिनिटी लाइफस्टाइल की ओर से एक वाउचर और नवीना सिनेमा हॉल की ओर से एक कपल टिकट एनी मूवी एनी शो। सवाल क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल है, उनकी 3 मूवीज के मैं आपको गानों की झलक सुनाऊंगा, आपको इन 3 मूवीज में से किसी भी 2 मूवी का नाम सही सही बताना है। आप सवाल समझ गए हो, गाने ये रहे। इन कदमों के नीचे शायद ये मेरा दिल है, देखो तो क्या ऐसी ही बात है, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, तेरी चुनरिया बहुत ही आसान सवाल है। इन 3 मूवीज में से किसी भी 2 मूवीज के नाम आपको सही सही बताने हैं। 6695935 है नंबर। साथ ही साथ आप फेसबुक पर रेड एफएम कोलकाता पेज पे जाकर वहां पर आंसर दे सकते हैं अपने फोन नंबर के साथ, या फिर आरजे अनिमेश फ्रेंड्स पेज पे जाकर भी आप आंसर दे सकते हैं, फोन नंबर देना ही पड़ेगा। राइट योर राइट नाउ क्या करना है, एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हीरोइन और कॉकटेल मूवी का एक एक गाना आ रहा है, सुनते रहो साथ रहो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बॉलीवुड में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इज्जत का सवाल, कमीने,
तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे बुढ़ापे का सवाल, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हर तरह के सवालों के जवाब के लिए सुनते रहिए आजे अनिमेश के साथ आज तो संडे है। ये थी आज सभी के लिए कविता सेठ की आवाज, कॉकटेल मूवी का एक सुपर हिट गाना। मेरा नाम है अनिमेश, शो का नाम आज तो संडे है। और अब क्या होगा? अब होगा रेडियो शॉपिंग नेटवर्क। हियर वी गो। नमस्कार दोस्तों, रेडियो शॉपिंग नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए अनु मलिक साहब की शायरी की डायरी। ये कोई एरू गैरू नत्थू गैरू वाली शायरी की डायरी नहीं है दोस्तों। आजकल सरकार भी इसे बॉर्डर पे यूज करती है दुश्मनों को भगाने के लिए। जी हाँ, ये कमाल की है। इसे सुनते ही लोग भाग खड़े होते हैं या फिर बेहोश हो जाते हैं। हाय, मेरा नाम है जलेबा मोंटी। मैं बहुत परेशान था, मुझे रात भर नींद नहीं आती थी, रात भर मैं जागता रहता था। मैंने घर के हर एक इंसान के नाक में दम कर रखा था, सभी मुझसे बहुत परेशान थे। तभी मेरी बीवी रोजी हसीना को हमारे कबाड़ी वाले पिंटो से अनु मलिक की शायरी की ये डायरी मिल गई। इसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। मेरी बीवी हर दिन रात को मुझे अनु मलिक की 3-4 शायरी सुनाती है। 2-3 शायरी सुनने के बाद ही मुझे नींद आने लगती है और मैं आराम से सो जाता हूँ। एक सरदार से मराठी सुनना गानों को सच्चा लगता है। मकई की रोटी में मिसल का फड़का। जी हाँ दोस्तों, इतनी घटिया शायरी सुनने के बाद एक बहरे को भी नींद आ जाएगी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बॉलीवुड में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। भगवान से सवाल, आज खुश तो बहुत हमारे गाने में भी सवाल। कौन है जो सपनों में आया? हर तरह के सवालों के जवाब के लिए सुनते रहिए आरजे अनिमेश के साथ आज तो संडे है। सुबह 93.5 रेड एफएम पर ये थी आज सभी के लिए श्रेया घोषाल की आवाज, शो का नाम है आज तो संडे है। मेरा नाम है अनिमेश। मैंने एक सवाल पूछा था, हमारे बर्थडे बॉय यानी कि कुमार शानुदा के 3 मूवीज के 3 गाने मैंने सुनाए थे, आपको बताना था इन है। 2 नंबर वाला गाना ये था, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके। मूवी का नाम था दीवाना और 3 नंबर वाला था फ्रॉम द मूवी हेलो ब्रदर। तेरी चुनरिया दिल ले गई। लेकिन वो पहला वाला गाना जो मैंने सुनाया था वो कौन सी मूवी का था? इन कदमों के नीचे शायद ये मेरा दिल है, देखो तो क्या ऐसी ही बात है। चलो मैं ही बता देता हूँ, मूवी का नाम था क्या कहना। क्या कहना मूवी का ये वाला गाना था। लेकिन ज्यादातर लोगों ने 2 मूवीज के नाम बिल्कुल सही बता दिए हैं। अब लकी विनर्स के नाम बताने हैं। और वो मंडल है इनका नाम, सोनारपुर में रहते हैं। बिल्कुल सही आंसर इन्होंने दिया था। इनको मैं दे देता हूँ नवीना मूवी का 1 कपल टिकट। एनी मूवी एनी शो जाकर आप नवीना हॉल में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ स्मिता बैनर्जी ने हमें कॉल किया था, गोड़िया में रहती हैं, इन्होंने भी बिल्कुल सही आंसर दिया। तो इनको मिल जाता है हमारी ओर से इन्फिनिटी लाइफस्टाइल की ओर से 1 गिफ्ट वाउचर। मुबारक हो आप दोनों को। जिन लोगों को कुछ नहीं मिला है, 4 गाने हैं उनके लिए, टेंशन मत लो, मेरे पास अभी भी बहुत सारे गिफ्ट हैं। कलर्स ब्यूटी सलोन की ओर से 1 वाउचर है, साथ ही साथ मेनका सिनेमा हॉल की कपल टिकट्स भी है। इसीलिए कहीं मत जाओ, टेंशन मत लो। कुछ ही देर में हमारे साथ पप्पूड़िया भी होंगे, करीना कपूर के साथ उनकी बातें होगी। सब कुछ सुनना है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड एफएम पे संडे 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 आज तो संडे है। वाली 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 डाली डाली विक्की डॉल अनिमेश के साथ आज तो संडे है। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। ओ जी अमरूद में कीड़ा है, मन में पीड़ा है, हाय यार। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो आंटी है आ जाती है घंटे के शुरुआत में, आकर मेरे शो का नाम, मेरा नाम, स्टेशन का नाम सब कुछ बोल देती है। अब मैं क्या बोलूँ, एक काम करता हूँ, टाइम ही बता देता हूँ। 6:14 हो गया है टाइम, एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद राज 3 मूवी का गाना सुनना है। जिंदगी से चुरा के जिंदगी में बता के साथ में
और बस थोड़ी देर में पप्पूड़िया की बातें होगी हीरोइन के साथ यानी कि करीना कपूर के साथ। अब मूवी रिलीज हुई है तो पप्पूड़िया ने इनको पकड़ लिया, इन दोनों के बीच क्या बातें हो रही वो सुनाऊंगा। लेकिन राइट योर राइट नाउ, लास्ट वीक पप्पूड़िया ने प्रियंका चोपड़ा के साथ बातें की थी, क्या बातें हुई थी चलो एक बार फिर से सुनते हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका तुमको गाजर का हलवा पसंद है क्या दूधी का? मुझे सबसे अच्छा जलवा लगता है। ओ देरी हो गया, हलवा बोल रहा हूँ हलवा। अच्छा मेरे को बताओ कि बॉलीवुड में सबसे अच्छा हलवा कौन बनाता है? आई थिंक लारा दत्ता डेफिनेटली। अरे वाह, और भुक्कड़ों की तरह कौन खाता है उसको? जॉन अभिषेक प्रतीक। और इसे खाते खाते कभी हलवा बॉडी में गिर गया तो आप उठा कर खाते हो गए? आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। तो सबसे टेस्टी हलवा किसके बॉडी में रहता है? जॉन। जॉन, अरे वाह, तो आप रोज खाते हो जॉन की बॉडी से हलवा? बिना खाने के मेरी जिंदगी नहीं कम्प्लीट होती, मेरा दिन नहीं कम्प्लीट होता। बॉलीवुड में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब फेस्टिवल वाला सवाल। होली कब है? कब है होली? कब? साउंड पॉल्यूशन वाला सवाल। थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? हर तरह के सवालों के जवाब के लिए सुनते रहिए आजे अनिमेश के साथ। आज तो संडे है। व्हाट्सएप की मूवी राजश्री का हमने एक सुपर हिट गाना सुना है। 6:30 हो गया है टाइम में, संडे इवनिंग आप सुन रहे हो अनिमेश के साथ। आज तो संडे है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी के लिए राजश्री मूवी का एक और गाना आने वाला है। लेकिन इस गाने के पहले हीरोइन यानी कि करीना कपूर के साथ बातें होगी पप्पूड़िया की। अब इन दोनों के बीच क्या बातें हो रही है सुनना पड़ेगा। मेरा नाम है अनिमेश, शो का नाम आज तो संडे है। 93.5 रेड एफएम पर जाते रहो। चेक इट आउट। वेलकम करीना कपूर। थैंक यू बाबा जी। ए करीना, तुम्हारे हाथ की हड्डियाँ कितनी पतली है रे। अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, टीवी सुनने नहीं हूँ मैं। अरे तुम्हारा वेट क्या है? 23। हट झूठी। ओ बॉस, आपकी हॉबीज क्या क्या है? बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है भाई को। ओ तभी तो इतने सारे बॉयफ्रेंड्स रखती हो। मुझे बुरा नहीं लग रहा है। आपके प्रेजेंट बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? अंशुमन। अरे अंशुमन, तो सैफ का क्या होगा? तो ये प्रॉब्लम है। कितनी गंदी की हो तुम बहुत तड़पोगी। कुत्ते उल्लू के पट। अरे यू बाप साले की औलाद। अरे नहीं कटेगा तू का। अच्छा सॉरी, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर। ये थी आज सभी के लिए जावेद अली की आवाज फ्रॉम दी मूवी राजश्री। शो का नाम है आज तो संडे है। मेरा नाम है अनिमेश। एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आप सभी के लिए जोकर मूवी का एक सुपरहिट गाना बस से आने ही वाला है। लेकिन उससे पहले दिलदार भाई की बातें होनी चाहिए। अब दिलदार की कहानी कुछ ऐसी है कि दिलदार को एक स्कूल में नौकरी मिल गई है। हाँ जी, दिलदार भाई हमारे टीचर बन गए हैं। लेकिन कल उन्होंने क्या किया पता है? एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर रेडी किया। क्वेश्चन पेपर देखने के बाद सारे बच्चे बेहोश हो गए। बताओ क्यों? पेपर देखकर बेहोश हो गए। हाँ जी। अरे बाबा, सवाल ही कुछ ऐसे थे। चाइना किस देश में है? 15 अगस्त किस डेट को आता है? ग्रीन रंग किस कलर को कहते हैं? टमाटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुमताज के कब्र में कौन दफन है? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बॉलीवुड में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। भगवान से सवाल। आज खुश तो बहुत हमार गाने में भी सवाल। कौन है जो सपनों में आया? हर तरह के सवालों के जवाब के लिए सुनते रहिए आजे अनिमेश के साथ। आज तो संडे है। ओके, सुपर हिट 93.5 रेड एफएम शो का नाम है आज तो संडे है। संडे इवनिंग आप सुन रहे हो मेरे साथ यानी कि अनिमेश के साथ। अब कुछ देना है मेरे पास। क्या है? कलर्स ब्यूटी सलोन की ओर से एक वाउचर है, साथ ही साथ मेनका सिनेमा हॉल की एक कपल टिकट है। जीतना है तो फोन करना है, लेकिन अभी नहीं, सवाल तो सुन लो। सवाल कुछ ऐसा है कि अब सैफ और करीना है, शादी अब इन लोगों की हो ही जाएगी लग रहा है। इस बार नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा शायद।
ओके तो मैं सैफ अली खान पर एक सवाल आपसे पूछूंगा। सवाल बड़ा ही आसान सा है। चार गाने जो आने वाले हैं, इन चारों गानों में से एक मूवी में सैफ अली खान हैं। जी हाँ, थे। आपको बताना कि आखिरकार वो मूवी कौन सी है। सही सही अगर आपने पहचाना तो आपको मिल जाएगा कलर से ब्यूटी सलोन और मेनका सिनेमा हॉल की ओर से एक कपल टिकट। कॉल अभी नहीं करना है, फेसबुक पे कहाँ पे क्या करना है सब कुछ बताऊंगा इन चार गानों के बाद। कहीं मत जाओ, 93.5 रेड एफएम अनिमेश के साथ बजाते रहो। रेड एफएम पे संडे 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 आज तो संडे है। वाली 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 डाली डाली विकेट डोज अनिमेश के साथ आज तो संडे है। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अब बजाते बजाते मेरे सवाल का जवाब भी दे दो। 7:12 हो गया है टाइम। संडे इवनिंग, गुड इवनिंग कोलकाता। मेरा नाम है अनिमेश, शो का नाम आज तो संडे है। 1 2 3 4 चार गाने मैंने आपको बैक टू बैक सुनाए थे। आपको अब बताना है कि इन चारों गानों में से एक गाने में सैफ अली खान थे, उस मूवी का नाम क्या है। सही से पहचाना तो आपको मिल जाएगा मेरी ओर से कलर्स ब्यूटी सलोन की ओर से एक वाउचर, साथ ही साथ मेनका सिनेमा हॉल की कपल टिकट भी मेरे पास है। एनी मूवी एनी शो जाकर देख लो। कॉल करना है 6699351935 नंबर पर। आप चाहें तो फेसबुक पर रेड एफएम कोलकाता पेज को लाइक करके वहां पर भी आंसर दे सकते हैं, या फिर आरजे एनिमेश फ्रेंड्स पेज है ना फेसबुक पे, वहां पर भी आप आंसर दे सकते हैं। राइट योर राइट नाउ, आपको क्या करना है, दो दो सुपेड गाने बैक टू बैक सुनने हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। रहो साथ रहो, आप सुन रहे हो अनिमेश के साथ आज तो संडे है 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बॉलीवुड में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब फेस्टिवल वाला सवाल। होली कब है? कब है होली? कब? साउंड पॉल्यूशन वाला सवाल। थप्पड़ की गूंज सुनी तुमने? हर तरह के सवालों के जवाब के लिए सुनते रहिए आरजे अनिमेश के साथ आज तो संडे है। 7:28 हो गया है टाइम। संडे इवनिंग, आप सुन रहे हो मेरे साथ यानी कि अनिमेश के साथ आज तो संडे है। मुझे पता है आप लोगों की पूजा की जो शॉपिंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी, मेरी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, जूते खरीदने सिर्फ बाकी हैं। वैसे अगर आप कोलकाता शहर में इस वक्त निकलते हो, रास्तों पे निकलते हो, तो आपको चारों ओर पैंडल नजर आएंगे जो इस वक्त बन रहे हैं। बस थोड़े दिन और इंतजार कर लो, उसके बाद वो जो पैंडल है वो कंप्लीट बना हुआ आपको नजर आएगा। साथ ही साथ कुछ ही दिनों के बाद लाइटिंग, आहा, लाइटिंग चारों ओर सिर्फ लाइटिंग ही लाइटिंग नजर आएंगी। मैं मिस कर रहा हूँ यार, ढाक की आवाज को मैं मिस कर रहा हूँ, कोई मेरे लिए बजा दो। सुपर हिट 93.5 रेड एफएम पूजो पीडिया। হাই, আমি নবেন্দ্র দাস, বন্ধুশ্রী পুজো কমিটির এডুকেটেড মেম্বার। আমাদের পুজোটা এবছর নিয়ে ফিফথ ইয়ারের পুজো, পঞ্চম বর্ষের। এবছরে আমাদের থিম হচ্ছে সভ্যতা রূপক আকাশে মন আকাশের পক্ষীরাজে দুই বাংলার মেলবন্ধনে বন্ধুশ্রী। আমাদের রিক্সার মেইন থিমটা হলো গিয়ে রিক্সা নিয়ে 42 ফুটের একটা রিক্সা হবে। বাংলাদেশের যে রিক্সা সেটা হলো গিয়ে 7 থেকে 8 ফুট রিক্সা। আমাদের অ্যাকচুয়ালি পুজোটা বা হলো কি পুরো ডায়মন্ড হারবার রোডের উপরে কলকাতা, প্লাস সমস্ত দর্শনার্থী যারা পুজোটাকে ভালোবাসেন, পুজো দেখতে ভালোবাসেন, সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ বন্ধুশ্রীর তরফ থেকে। তো আপনারা এলে আমাদের পুজোটা আমাদের যথার্থ সার্থক হবে। আমি শিল্পী নির্মল মালিক, আমি এই বন্ধুশ্রী পুজোটাই এবারে দায়িত্ব নিয়ে করছি। আমার সাথে আরো অনেক বন্ধু আছে, সবাই মিলেই করছি এটা। আমরা একটা রিকশা নিয়ে কাজ করতে চেয়েছি। এই পুজোটা একটা অদ্ভুত অন্যরকম একটা ইলিউশন দেবে মানুষের কাছে, যা হচ্ছে যে রিকশাটা আমরা এতদিন চড়েছি, অথচ সেই রিকশার মধ্যে যে এই বিউটি থাকতে পারে, সেটা যে আমাদের এত ভালো লাগা আনতে পারে, সেটা আমাদের বন্ধুশ্রী পুজোতে গেলে অবভিয়াসলি সেটা মানুষ পাবে আর কি। তো আসলে পরে আপনাদের নো ডাউট এবার একটা অভিনবত্ব ভালো কাজ আপনারা দেখতে পাবেন। बॉलीवुड में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इज्जत का सवाल। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे बुढ़ापे का सवाल। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हर तरह के सवालों के जवाब के लिए सुनते रहिए आरजे अनिमेश के साथ आज तो संडे है। पर हमने सुना है मर्डर मूवी से कहो ना कहो, मैं तो कहूंगा बजाते रहो। शो का नाम है आज तो संडे है और आप सुन रहे हो अनिमेश की आवाज। वेल, अब विनर्स के नाम बताने हैं। पहले बता दूं कि चार गाने जो मैंने सुनाए थे और पूछा था कि इन चार गानों में से एक गाने में यानी कि एक मूवी में सैफ अली खान थे, वो मूवी कौन सी है। तो मूवी का नाम था कुर्बान और गाना था
अब विनर्स के नाम भी बता देता हूँ। तापोशी है इनका नाम, वीआईपी रोड में रहती हैं, बिल्कुल सही आंसर इन्होंने दिया है। मेनका सिनेमा हॉल की ओर से इनको एक कपल टिकट मिल जाता है। एनी मूवी एनी शो जाकर देख लो तापोशी। वैसे रमेश ने भी सही आंसर दिया है, बारासात में रहते हैं, इनको मिल जाता है क्या कलर्स ब्यूटी सलोन की ओर से एक गिफ्ट वाउचर। मुबारक हो आप दोनों को, मुबारक हो। वैसे अब कुछ बताना है आप लोगों को। OLX.in presents रणभूमि अपडेट। चलिए आपको बता दूं कि कोलंबो में शुरू हो चुका है, प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू हो चुका है इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच मैच, और इंग्लैंड ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। दिस अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय OLX.in। अब मिलेगी लंका में फिर विजय विथ वानर सेना, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राइट यू राइट नाउ, एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी को मिलेंगे मोहित चौहान। सुनते रहो साथ रहो, आप सुन रहे हो अनिमेश के साथ आज तो संडे है 93.5 रेड एफएम पर, जाते रहो। बॉलीवुड में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इज्जत का सवाल, कमीने, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे बुढ़ापे का सवाल, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हर तरह के सवालों के जवाब के लिए सुनते रहिए आज अनिमेश के साथ आज तो संडे है।